अगली खबर हरियाणा के करनाल से, जहां प्रदेश के परिवहन मंत्री के दावों की पोल खुल रही है। जी हां, आपको बता दें कि प्रदेश के सीएम मनोहर लाल खट्टर के विधानसभा क्षेत्र करनाल में इन दिनों रोडवेज बसों की हालत खस्ता बनी हुई है। प्रदेश सरकार हरियाणा रोडवेज की बसों में जनता को बेहतर और सुरक्षित सफर कराने का वादा करती है, लेकिन हर बार की तरह सरकार के दावे खोखले दिखाई देते हैं और उनकी जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। इस बात से पर्दा हटाने के लिए हम प्रदेश की जनता को रोडवेज की बसों के हालात से रूबरू कराते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं रोडवेज ने इस समय सड़कों पर दौड़ रही बसों की, जिनकी हालत काफ़ी खस्ता है, फिर भी वह सड़कों पर दौड़ती हैं और उन लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रही हैं जो लोग उन बसों में सफर करते हैं। क्या हालात है रोडवेज की बसों के? मैं देख रहे सारे सीट टूटी पड़ी है, सरकारी चलती नहीं है। और अपना और के लिए आपको आप देख लो, इसमें फोटो में अपना जो आ रहा है कोई टूटी टूटी कड़ी सुमराई नहीं किच नहीं, अपना कड़ी राह में खड़ी हो जाए कड़ी, अपना कोई सवार नहीं दूसर वही बस चालकों ने भी माना कि कई बसें खस्ता हालत में हैं और कई बार तो रास्ते में ही खराब हो जाती हैं, जिसके कारण बस में सवार लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकार से पहले भी हमारी यूनियन जो सारी यही डिमांड करती आ रही है, हमें सरकार से पहले भी 10,000 बसों का आग्रह किया था, लेकिन सरकार ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो बसते हैं ड्राइवर अपने आप, वह भी एक प्रधान होने के नाते अभी बस को अपने आप अभी धो के गाड़ी लाया हूँ, वहाँ पे कोई मिस्त्रियों की बहुत ज़्यादा कमी है, फिर इतने मिस्त्री भी नहीं हमारे पास, ना कोई इनकी गाड़ियाँ दे रहे हैं। गाड़ियाँ की हालत बहुत खस्ता हाल हो चुकी है, अगर यहाँ से चलती हैं तो रास्ते में ही खड़ी हो जाती है। रोडवेज को सरकार ने तो बस इसका बिल्कुल नाश करने पर आ गया, बिल्कुल कर दिया सरकार ने। तो सर कोई हादसा वगैरह भी हो सकता है जैसे? हाँ जी, इसको बहुत हादसा भी हो सकता है, जैसे गाड़ियों का आम काम नहीं होता जाके, जिससे हादसे भी हो सकते हैं, चलती गाड़ी के टायर फट जाए या कुछ और पोल्यूशन हो, इससे बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। वही जब हमने इस बारे में जीएम जसपाल राणा से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। हमारे रोडवेज में करनाल डिपो में 183 बस है, जो सैंक्शन है वो 240 का है। और ये भी अवगत कहना उचित होगा कि हमारी लगभग डेढ़ साल से बसें नई बसें नहीं आई, उम्मीद है जल्दी ऑर्डर हो जाएगा वो आ जाएंगे। सर जो बसों के हालात कुछ खस्ता है जी, उसके बारे में क्या संज्ञान लिया जाएगा जी? सफ़र करना मुश्किल है यात्रियों के लिए? देखिए ऐसा है, हमारे वर्कशॉप है, वैसे चेकिंग टाइम होता है, हम जो भी गाड़ी बाहर आती है वर्कशॉप में चेक होकर जाती है, हर बार जो रोटेशन पर आती है। फिर भी अगर जो भी किसी की अगर बस में लगता है कोई ज़्यादा रिपेयर के, हम उसको जरूर रिपेयर कराएंगे, मेरी नॉलेज में नहीं है ऐसा कोई खस्ता हालत हम बस के नहीं होंगे। तो सर जो खस्ता बसें हैं वो रोड पे भी दौड़ती हैं जी, कोई हादसा वगैरह भी हो सकता है? देखिए कुछ बसें नॉलेज तो मेरी भी नॉलेज में ऐसा नहीं है, खस्ता तो नहीं हो सकती, बाकी फिर भी ऐसा है तो हम उसको दोबारा चेक करा लेते हैं और पूरा कंप्लीट करके फिर रोड पर लीजिए। तो सर कुछ बसों में फर्स्ट एड बॉक्स भी नहीं है? फर्स्ट एड बॉक्स सभी कंडक्टर्स को दिए हुए हैं, हो सकता है किसी कंडक्टर्स ने वहाँ वो उसके फर्स्ट एड बॉक्स फैक्सर हम चेक करा लेते हैं, अगर जिस कंडक्टर के पास नहीं मिला उसके खिलाफ कार्रवाई। वही परिवहन मंत्री कई बार यह बयान दे चुके हैं कि हम हरियाणा रोडवेज की बसों में सफर करने वाले यात्रियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आने देंगे। मंत्री जी, शायद आपने करनाल डिपो में चल रही बसों के हालात नहीं देखे, जिन बसों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए आपने फटी हुई सीटों का इंतजाम किया है। करनाल से कमल, इंडिया एक्सप्रेस।